दोस्तों शंकरराज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हम शंकरराज की अगली स्टेप सीखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस साइज का खरीदना चाहिए, किस तरह से उसको पकड़ के बजाना चाहिए और किस तरह से उसके अंदर से पॉश निकालना चाहिए। इस एपिसोड में मैं आपको शंख ध्वनि सिखाने वाला हूँ। ये शंख ध्वनि आपने हमेशा सुनते आ रहे हैं मंदिरों में या किसी धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, टीवी सीरियल के अंदर आपको बैकग्राउंड में शंख ध्वनि सुनाई देता है, उस प्रकार का शंख ध्वनि आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने पिछले 20 एपिसोड अगर नहीं देखे तो मैं आपको आपसे गुजारिश करूंगा कि पिछले एपिसोड आप जरूर देखिए, ताकि आपको ये स्टेप और आने वाली जो हम नए नए प्रकार के शंख ध्वनि में आपको सिखाने वाला हूँ तो ये आपको सीखने में आसानी हो। तो दोस्तों जो अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको अवश्य देखिए। उसके साथ साथ शंख का महत्व और शंख की पहचान ये भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप शंख बजाते हो, आपको शंख के बारे में जानकारी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी जानकारी हासिल करें, प्लेलिस्ट के अंदर मैं सारी डिटेल्स दे रहा हूँ। शंख की पहचान करके एपिसोड ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर आप हर एक कौन सा शंख किस प्रकार का है, उसको कैसे पहचाने, उसके नामों के साथ में मैं आपको पूरा डिटेल दे रहा हूँ, तो आप उसको अवश्य देखिए। तो दोस्तों देखते शंकर तो सीखते हैं अगली स्टेप कि हमें शंख जो पहली स्टेप है जो अक्सर ज्यादातर लोग बजाते हैं, आपको उस तरह से आप कैसे बजाएंगे। तो आपको करना ये है दोस्तों, लंबी सांस लेनी है। लंबी सांस लेने के बाद में जो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आपको पॉश लेना है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले वो एपिसोड देखे, उसके बाद ये एपिसोड देखे। उसके अंदर हमें पॉश लेना सीखा है। अभी हम शंख को प्रॉपरली बजाना सीखने वाले इस एपिसोड से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हर एक एपिसोड को पूरा ध्यान से देखिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और समझिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उसको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो दोस्तों सीखते हैं शंखनाद की अगली स्टेप, जो कि महत्वपूर्ण स्टेप है, जो अक्सर लोग ज्यादातर लोग बजाते हैं, और इसी ये आपकी महत्वपूर्ण स्टेप इसके लिए कि इसी के अंदर आप सीखने वाले कि पॉश कैसे लगाना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें लंबी सांस लेनी है और जो वाइब्रेशन लिया था, उस जो हवा हमने पेट के अंदर ली थी, उसको उस वाइब्रेशन को धीरे धीरे बाहर की ओर फेंकना है। और ये करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक तो घड़ी के सामने खड़ा होकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, या फिर आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि अपना स्टैमिना कहाँ तक है। तो आपको करना ये कि लंबी सांस लेते हुए पहली स्टेप के अंदर लंबी सांस लेना है और कंटिन्यूसली शंख बजाना, इस तरह से अभी हमको आराध्य बताने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से इसके अंदर से आप अगर घड़ी के सामने खड़े हैं तो इससे आपको अंदाजा जाएगा कि आपका स्टैमिना कितने देर का है। तो आपको करना ये है, अगर आपका स्टैमिना 15 सेकंड का है, 10 सेकंड का है या 20 सेकंड का है, अगर आपका स्टैमिना 15 सेकंड का है तो आपको 12 सेकंड तक आपको कंटिन्यूसली शंख बजाना है, और बाकी के जो 3 सेकंड बचते हैं उसकी जो ताकत है, जो हवा आपके पेट के अंदर है, उसको 21 सेकंड के अंदर पॉश लगाना इस तरह से। धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, सीरियल के अंदर बैकग्राउंड में आपको ये सुनाई देती है, इसे पहली स्टेप कहते हैं। इसके अंदर एक सिंगल पॉश लिया हुआ है। इसी स्टेप को आप तीन तरह से बजा सकते हो, तीन तरह से लोग बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? एक तो आप अभी आपने देखा इस तरह से आप बजा सकते हो। इसके अंदर आपको ये करना है, ये देखना है कि आपको शंख कितने देर तक बजाना है और किस तरह से बजाना है। अगर आप ज्यादा देर तक शंख बजाना चाहते हो तो उसके अंदर उसका ध्वनि हल्का ध्वनि आएगा, अगर आप कम समय के लिए शंख ध्वनि बजाना चाहते हो तो उसका ध्वनि जोरों से आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा शंख बजाना है, धीमा शंख बजा के ज्यादा देर तक बजाना है या ज्यादा जोर में शंख बजा के कम समय के अंदर बजाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से आपको बजाना है। आपको लंबी सांस लेनी है अगर आपको ज्यादा देर तक शंख बजाना है, लंबी सांस लेनी है
शंख को धीरे 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 आप जितने धीमे बजाएंगे उतना देर तक बजेगा, उससे अंदर से आपका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ने वाला है। तो आपको शंख को इस तरह से बजाना है, ऊपर की ओर होनी चाहिए ताकि जो हमारे पेट के अंदर से निकलने वाली जो हवा है वो एक साथ एक फ्लो में बाहर निकले। और इस टाइप का शंख, मतलब जो धीमी आवाज वाला शंख है, उसके अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि ज्यादा धीमे भी ना हो और ज्यादा जोरों में भी ना हो, आपको बिल्कुल धीमे और एक साथ में। आप अगर शंख धीमे स्वर में बजाएंगे तो उसका स्वर जो है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है वो एक लेवल में हो। अभी आपने जो देखा उसके अंदर, जो सुना उसके अंदर मेरा जो ध्वनि है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो इस तरह से ना हो। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक साथ शंख बजाना है। तो मैं आपको फिर से वही स्टेप आपको दोहरा रहा हूँ कि आपको किस लेवल में उसको शंख को ध्वनि को रखना है। दूसरी स्टेप इस प्रकार है, हमें कम ड्यूरेशन के अंदर शंख बजाना है इसी प्रकार का, इसके अंदर आपका ध्वनि अच्छा आने वाला है। तो अभी आपको दूसरी स्टेप जो है वो आराध्या बताने वाली कि किस तरह से आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बजा सकते हो, कम समय के अंदर ज्यादा ध्वनि। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कम समय के अंदर ज्यादा जोरों का ध्वनि और आखिर में पॉश किस तरह से लिया जाता है, इस तरह से। ये दूसरा तरीका हो गया। और इसके अंदर और एक तीसरा तरीका है जिसके अंदर आपको शुरू में धीमी आवाज रखनी है और आगे जिस तरह से आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीमी जो आवाज है वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में पॉश लगने वाली है। तो आप उस तरह से भी शंख को बजा सकते हो, इस तरह मैं आपको बता रहा हूं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको शंख को किस तरह से बजाना है, धीमी धीमी स्वर निकाल के ज्यादा देर तक बजाना है, मीडियम स्वर रखना है या जोरों का स्वर रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरह से करना है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको शंख के बारे में दूं, शंख का महत्व, उसके उपयोग, शंख की पहचान और शंख के अंदर से ध्वनि किस तरह से निकालनी है और किस किस प्रकार की, खासकर किस किस प्रकार की शंख ध्वनि हम शंख के अंदर से निकाल सकते हैं, ये आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना ही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे पहले वीडियो अगर नहीं देखे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके पहले की वीडियो, पहली जो स्टेप्स है आप उसको जरूर देखिए। अगर आपको उसके अंदर अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ परेशानी आती है, अगर आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर दीजिए और खासकर आप मुझे कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नया आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों इससे अधिक अच्छी जानकारी पाने के लिए शंकरनाथ स्टूडियो से जुड़े रहिए। जय श्री राम।